इफ स्पिरिट्स रियली एग्जिस्ट, क्या भूत सही में होते हैं? जी हाँ, सच जान के आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही कि होते हैं। चाहे भूत इंसान की दिमागी बीमारी हो या भूत सही में किसी की आत्मा हो, लेकिन भूत तो होते हैं ना। जैसे दिमागी बीमारी होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिजीज होते हैं, वैसे हो सकता है भूत भी एक इसी प्रकार का कुछ बीमारी का सिम्टम हो जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। यानी भूत होते हैं और हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यही ढूंढते हैं कि भूत क्या है। बेसिकली किसी के घर में अगर भूत की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, दिमागी बीमारी है, या फिर वाकई में वहाँ पे कोई आत्मा है या आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना जो हम सबके शरीर में होती है, जिसकी वजह से मेरे और आप में और हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमारी चेतना का लेवल जो है अलग अलग है। क्या इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है और क्या सच्चाई उसके पीछे, और क्या जो उसके सिंबल्स हैं। ही आस्क्ड अबाउट माय ओपिनियन ऑन इल्यूमिनाती एंड द सिंबल्स दैट एवरीवन शोज लाइक ट्रायंगल एंड आई एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। बेसिकली इल्यूमिनाती मींस एनलाइटनमेंट, एंड इफ आई कनेक्ट ऑल द कॉर्ड्स, ऑल द जो भी हमें हिंट मिले हैं इल्यूमिनाती की तरफ से, तो 1773 में कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म होने शुरू हुए थे, जो जिनका काम था इनलाइटन करना लोगों को, सुपरस्टिशन के अपोजिट जाना, अपोज करना सुपरस्टिशन को, और एंटी रिलीजियस मूवमेंट चलाना, यानी लोगों का रिलीजन में फेथ कम करना। धीरे धीरे ये काफ़ी सीक्रेट होती गई और इनका काम था वर्ल्ड को एक ऑर्डर मिलाना। सो ऑर्डर इन द केस, क्योंकि पहले लोगों को समझदारी नहीं थी ह्यूमैनिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझदारी नहीं थी, समझ नहीं थी, तो सब सारे लोगों को दुनिया में किस तरह से पॉलिटिक्स रचा जाए, किस तरह से प्लान किया जाए ताकि हर लोग एक ही पैकेट में समा सके और सब लोग एक ही तरह से ह्यूमैनिटी को समझने लगे, उसके लिए ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी। और जो आप समझते होंगे इल्यूमिनाती के सिम्बल्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल, वॉट डज ट्राइंगल रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट अ पिरामिड, यानी एक ट्राइंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो पॉइंटेड होता है, दैट सिग्निफाइज यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स के अंदर हर एनर्जी है जिसके कारण आप सक्सेसफुल बन सकते हैं या फिर आपके अंदर आप अपने आप को पहचान सकते हैं। बेसिकली आपका परमात्मा से एक होना, यानी यूनिवर्स के साथ एक होना, ये शायद ट्राइंगल का सिंबल होता था। और ये जो आई का सिंबल था, ये इट वॉज बेसिकली योर इनर सोल, द साइट ऑफ योर इनर सोल, आपकी अंदर की आत्मा की आँख जिससे आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। कई लोग इसको तीसरी आँख भी बोलते हैं, जो यहाँ होते हैं पीनियल ग्लैंड। तो मेरे ख्याल से ये सब सिंबॉलिक हैं और हर चीज़, आप इफ यू बॉइल डाउन, हर चीज़ सिंबॉलिक है और हर चीज़ कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है कि लोगों को किस तरह से यूनिवर्स से सीखना चाहिए। और देर इज़ लॉट मोर टू एक्सप्लोर इन दिस यूनिवर्स। आई मिस माई डैड एंड आई स्टिल बिलीव that he visits me. Over the years, I feel his visits are less. Can you help to confirm his presence? If you feel, Dennis, that your father is visiting you, maybe you're right. A lot of spirits, when they pass on, they come to visit their loved ones. But again, we should learn one thing. We should get over this attachment, because this is what makes you a ghost. Ghost is only a spirit who is attached, who is emotionally attached to the human beings or any physical entity. Anything physical, if it attached to, is a ghost. And if it is a free will spirit, he can roam around, he doesn't have any attachment. He can move into dimensions.